नमस्कार, मैं अप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सासाराम विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात सज चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी शुरू कर दी है। ऐसे में उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस साल कोरोना काल होने के कारण उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। राजनीतिक पार्टियों की चुनावी तैयारियों के बीच आज हम बात करेंगे सासाराम विधानसभा चुनाव की। सासाराम विधानसभा क्षेत्र सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जो रोहतास जिले का भाग है। यह विधानसभा क्षेत्र साल 1957 में अस्तित्व में आया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सासाराम विधानसभा चुनाव में इस बार सीधा मुकाबला जदयू और राजद के बीच में है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में बनते बिगड़ते राजनीतिक पहलुओं को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सासाराम विधानसभा चुनाव के अतीत के बारे में। तो आइए हम जानते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव की। साल 2015 में हुए चुनाव में मौजूदा क्षेत्र में राजद से अशोक कुमार और भाजपा से जवाहर प्रसाद के बीच में मुकाबला था। अशोक कुमार को जहां 82,766 वोट हासिल हुए थे, वहीं जवाहर प्रसाद को 63,154 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवार के बीच आंकड़ों के अंतर की बात करें तो 19,612 वोट से अशोक कुमार विधायक की सीट जीत गए थे। अब बात करते हैं साल 2010 विधानसभा चुनाव के बारे में। साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल भी राजद और भाजपा के बीच आमना सामना हुआ था, जिसमें भाजपा ने परचम लहराया था। भाजपा के टिकट से जवाहर प्रसाद विधायक चुने गए थे और राजद प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार 5,411 वोट से पीछे रह गए थे। उन्हें 45,445 वोट मिला था। वहीं विधायक चुने गए जवाहर प्रसाद को 50,856 वोट मिले थे। अब बात विधानसभा चुनाव 2005 की। साल 2005 को देखा जाए तो इस चुनावी साल में यहां से भाजपा से जवाहर प्रसाद ही विधायक चुने गए थे। इस साल दो बार चुनाव हुआ था तो दूसरी बार में अशोक कुमार की जीत हुई थी। साल 1990 और 1995 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस दोनों चुनावी साल में भाजपा का ही दबदबा रहा था। इन दोनों विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे जवाहर प्रसाद को जीत मिली थी। विकास कार्यों कि अगर हम बात करें तो सड़क नालियों घाटों का निर्माण करवाया गया है। युवाओं के लिए खेल के मैदान का निर्माण करवाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार कार्य हुआ है। स्कूलों की मरम्मत और आवश्यक जरूरतों को पूरा किया गया है। अस्पताल में भी नवजात के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध हुई है। चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर कुछ विशेष नहीं किया गया। सड़क जाम बड़ी परेशानी है। इसके अलावा युवाओं के रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सासाराम सीट पर सीधी लड़ाई जदयू और राजद के बीच में है। एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे में यह सीट जदयू के खाते में गई है और जदयू ने इस सीट पर अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन से यह सीट राजद के खाते में गई है तो राजद ने इस बार राजेश गुप्ता को मैदान में उतारा है। अगर हम पिछले चार चुनावों का जिक्र करें तो इस सीट पर राजद और भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार सासाराम की सीट जदयू के खाते में जाने के बाद से यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसे अपना नेता मानती है। बिहार एनडीए में अलग होने के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सासाराम सीट जदयू के खाते में है और लोजपा ने यहां से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। लोजपा की तरफ से सीट पर उम्मीदवार है रामेश्वर चौरसिया। आपको बता दें, रामेश्वर चौरसिया अब तक भाजपा के टिकट से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया है और लोजपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सासाराम में कांटे का मुकाबला हो सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।